नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहते हैं, अपनी माता बहनों से, अपने भाई बंधुओं से, कि घर सुख संसार बनाने के लिए, यानी कि घर को सुख का संसार बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आप सभी सोचकर बताइए। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। हमारा आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि हर व्यक्ति के घर में विरोध होता है, आपस में टेंशन रहती है, भाई भाई से दुश्मनी रहती है, भाई भाई आपसे बोलते नहीं है, एक दूसरे में टसन रहती है, माता पिता से भी बहुत से बच्चे टसन रखते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, या आमने सामने जाने से कतराते हैं, या मनों में मैल होता है, मनमुटाव बना रहता है, तो वो घर घर नहीं होता है, शमशान होता है। सबसे पहले घर को सुख का संसार बनाने का सबसे पहला मतलब ये होता है कि जो परिवार में सदस्य रहते हैं उनमें आपस में सबसे पहले मान सम्मान एक दूसरे का होना चाहिए और सच्चा प्यार होना चाहिए। जिस घर में सच्चा प्यार होता है, एक दूसरे से व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करता है, एक दूसरे की बातों को स्वीकार करता है, उन पे अमल करता है और आज्ञा का पालन करता है, तो वो घर सुख का संसार बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, घर एक मंदिर बन जाता है। और जिस घर में एक दूसरे से नफरत करता हो, एक दूसरे का सम्मान नहीं करता हो, एक दूसरे की बातों को नहीं मानता हो, अपनी अपनी हर व्यक्ति चलाता हो, तो वो घर घर नहीं, शमशान का एक ठिकाना होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरा मतलब यह है कि जहां प्यार है वहां सुख का संसार है, जहां प्यार नहीं है वहां जीने का कोई मतलब नहीं होता। हमेशा रोजाना आए दिन टेंशन होती है, किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव रहता है, दिलों में जहर रहती है। ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये दुकान, ये गाड़ी, ये बंगला, सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसके पीछे कभी किसी से मनमुटाव मत करना। और यदि आप चार भाई हैं या दो भाई हैं, पांच भाई हैं, एक भाई ज्यादा कमा रहा है और एक दो या चार भाई नहीं इतना कमा पा रहे हैं, तो कभी ये ना सोचे कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं, ये मेरा कमाया हुआ खा रहे हैं, इसलिए मुझे न्यारा हो जाना चाहिए, इनसे दूर हो जाना चाहिए, इनसे झगड़ा कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। ना तो इंसान दुनिया में कुछ लाया है और ना ही कुछ ले जाएगा, सिर्फ इंसान अपने व्यवहार को, अच्छे कर्मों को साथ ले जाता है और वो ही आगे चलकर काम आता है। बाकी जो आपको या तो आपने छीना हो या कमाया हुआ हो या इस दुनिया में आकर इकट्ठा जो किया है, वो सब तुम्हें संसार से मिला है और हर व्यक्ति संसार के लिए छोड़ जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति की सांसें रुक जाती है, उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो उसी के वो घर वाले उसे तुरंत फूकने ले जाते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप यही सोच लीजिए, दो पल जियो, जो हम जी रहे हैं यही हमारी खुशी है और यही हमारी जिंदगी है। हमें एक पल का नहीं पता कब मौत के दर से आ जाए, क्योंकि मौत सच्चे है और मौत ही सत्य है। इससे कोई ना तो बच पाया है और ना ही इससे कोई मन, यानी कि मुंह को चुरा सकता है, और ना इससे मुंह कोई फेर सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जहां प्यार है वहां सुख का संसार है, प्यार से जियो और जीने दो। किसी का मन मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। जिस तरीका से आप भगवान ने बनाए हुए, यदि किसी की मदद कर सकते हो तो करो, और अगले वाले से भी यही बोलो कि हर किसी की, व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है, ये तो आती जाती दुनिया है, एक मेला है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, गोल चक्कर की तरह चलता रहता है। ये तो सृष्टि का, प्रकृति का एक नियम है कि जैसा कोई गाया है वैसा ही वो चले जाता है, आना जाना दुनिया में लगा रहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, घर को खुशहाल बनाना है तो आप सबसे पहले आपसे प्यार करना सीखे, दूसरे का सम्मान करना सीखे। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे स्वीकार भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरी इस ऑडियो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं पंडित राजगुरु शर्मा अपनी वाणी को देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।
जय भारत।